कल रात का स्टे। यहीं पे हमने खाना खाया, अब अंधेरा है, यहीं हम सो गए। अबे तो मेरे पीछे पीछे ही आ रही है, अबे सब मेरे पीछे पीछे आ गई भाई। यार सारी की सारी पड़ गई पीछे। हेलो डॉगूज, हेलो। ये है यहाँ का वाटर सोर्स। यहाँ से जानवर नहीं पीते पानी, ये सिर्फ इंसानों के लिए बनाया गया है। तो गाइस अंधेरे में दिख तो रानी होगा, बट ये हमारे ट्रैक लीडर कूड़ा बटोर रहे हैं। भरत भाई है ये ट्रैक लीडर, तो कूड़ा बटोरने में लगे हुए हैं। हमारा नाश्ता बना रहे हैं सौरभ भाई, और हम कर रहे हैं बकचोदी कर रहे हैं। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमने पोहा खाया, हम दूध बॉईल कर रहे हैं, कॉफ़ी पियेंगे और पीनट बटर और ब्रेड खाएंगे। ये हमारे गेस्ट हैं, इनको भी हमने ब्रेड खिला दिए। हेलो, ठीक है। Day 2 ऑफ ट्रैकिंग। वी आर लेट, यस वी आर लेट। यही वो भेड़ थे जो मेरे पीछे पड़ गए थे, इसका भी रीज़न मुझे पता लग गया। वो मेरे पीछे इसलिए दौड़े, उनको लगा मैं उनका नमक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पीछे से आम आ रही थी, वो उनके लिए नमक लेके आ रही थी। खैर वी आर लेट अगेन, यस, क्योंकि आज हम थोड़ा आराम से ही उठे। कल रात भी काफ़ी देर में पहुंचे थे, हमारे 2 टीममेट वो भी थके हुए थे, और 10 बजे सोए हम कल रात, क्योंकि हमें आमा लोग यहाँ जो मिल गए थे, हमने उनके साथ बढ़िया गपशप मारे। और जो हमारे 5th कैंडिडेट है राजेश सर, वो बस आ रहे हैं हाथ मुँह धो के, थोड़ा लेट है वो भी। और हम अल्टीमेटली हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, रेडी टू गो हैं, बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और ये कुछ यहाँ की बुग्यालों की खूबसूरती है। ऐसे देखें अगर सामने पीक्स भी दिख रही थी, अभी बादलों ने घेर लिया है। पंचाचुली, नंदा देवी, नंदा कोट, और भी कई सारी पीक्स हैं जो कि यहाँ से दिखती हैं, बट बादल अभी सब छोप के बैठे हुए हैं। हमें जाना है उस पहाड़ से पार। तो ये वो बिल्डिंग है जिसमें हम कल रात रुके थे। ये बिल्डिंग ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई है। ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि ऊपर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे पड़ता है नंदा कुंड। नंदा कुंड में नंदाष्टमी के टाइम पे बहुत बड़ा मेला लगता है, नॉट मेला एग्जैक्टली, बट लोग आते हैं नीचे से, जो कि ब्रह्म कमल तोड़ते हैं और ब्रह्म कमल वहाँ पर अर्पित करते हैं और नहा धो के वापस चले जाते हैं। तो ये यहाँ की मान्यता है। तो ये उनके लिए ये मंदिर कम विश्राम गृह टाइप उनके लिए बना हुआ है। ऐसे ही नीचे भी बने हुए। और कुछ 9:30 में हम लोगों ने कैंप लीव किया अपना और हम चल पड़े हैं देवी कुंड की तरफ, जो हमें आमा मिली थी लोकल। उनका कहना है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे हैं देवी कुंड, बट विल ट्राई आवर बेस्ट और देखते हैं क्या होता है। वो था क्या हल्का। That's what Namik offers you. रूपकुंड का जुनार गली भी ऐसी है। फॉर आवर सरप्राइज हमें यहाँ पे भी मिल गई हैं लीचेज, यानी कि जॉक, जिसने कि भरतदा पे अटैक कर दिया था। फिर हमने वापस से पैंट्स फोल्ड कर लिए ताकि अगर कुछ और हो तो हमें दिख जाए। धुंध के साथ आ रही है थोड़ी थोड़ी धूप, मज़ा आ रहा है। शाबाश शाबाश। और चढ़ाई है ज़्यादा नहीं है, थोड़ी। ये दोनों लायर्स ऐसी बोलते हैं, ये लीडर्स का काम ही यही होता है, बस पहुंचे बोलना लव द वे ही लाए। कल हमारा स्टे यहाँ होना था बट कल तो नहीं हो पाया, आज हम पहुँचे थर्ड टॉप। नज़ारा देखिए पूरा ऊपर धीरे धीरे फॉल। यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन है हमें कि लेफ़्ट जाएँ कि राइट, इसलिए एक टीम मेंबर वहाँ खड़ा है, मैं यहाँ हूँ, दो लोग इधर को गए हुए हैं देखने के लिए इज इट पॉसिबल ताकि हम कर रहे हैं। गर्मी बहुत लग रही है, चलते तो पसीना। बढ़िया ग्रेट फन। स्रोत मिल गया। हेयर वी विल रिफिल और बॉटल्स। ये देखिए कैसे बढ़िया बनाया हुआ है, एकदम ढक के साफ सुथरा, अंदर कहीं से आ रहा होगा पानी।